हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक नहीं, दो नहीं, यहाँ तक कि दस भी नहीं, बल्कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ पूरे के पूरे 14 बेस्ट ऑफलाइन गेम्स, जिसे देखने के बाद आप 20 या 50 गेम्स डाउनलोड करने ही वाले हो। मेरा मतलब है 5-6 गेम्स डाउनलोड करोगे ही करोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 14 पर हेलो नेबर नाइकिल डायरी। इसे गेम पिछले हफ्ते रिलीज हुआ एंड काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। एंड अगर आपने इस गेम को नहीं खेला तो आज खेलने वाले हो, बिकॉज इस गेम की ग्राफिक्स काफी अच्छे देखने मिल जाएंगे एंड टेक्नो गेमर्स ने इस गेम को काफी बार खेला है। साइज की बात की जाए वो यहाँ पर 930 MB एंड गेम पूरी ऑफलाइन रहेगा। इस गेम के अंदर काफी सारे मिशंस, लेवल्स एंड एक फुल्ली ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है। लाइक आप एक एडवेंचर टाइप कह सकते हो, जैसे कि आप हमें स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। आते हैं नंबर 13 पर, वर्ल्ड वर्ल्ड एडवेंचर। अब इस गेम को 90s के किड काफी ज्यादा रिलेट करने वाला है, बिकॉज पहले के समय पर इस तरह गेम्स काफी ज्यादा पॉपुलर होते थे। एंड इस गेम के अंदर आपको एक ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बैटल कर सकते हैं, पीवीपी बैटल्स भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसमें अपने लॉबी को स्टाइल कर सकते हो, कैरेक्टर्स को अनलॉक कर सकते हैं, काफी कुछ करने को मिल जाएगा। साइज यहाँ पर आएगा 310 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 12 पे गोट सिमुलेटर 3। अब आप इस गेम को GTA 5 से कंपेयर कर सकते हो, मतलब कि आप GTA 5 की तरह इस गेम में कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको गोट्स की काफी सारी स्किन देखने मिल जाएंगी, लाइक जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इस गेम को टेक्नो गेमर्स ने भी खेला है। साइज यहाँ पर 630 MB। चलते हैं नंबर 11 की तरफ, यावानी। अब ये गेम 90s के किड को काफी ज्यादा पसंद आएगा एंड उनको पसंद आएगा जिसने मानो गेम्स को काफी ज्यादा बार कम्प्लीट किया है एंड वो लोग कुछ नया टाइप का गेम ढूंढना है। तो ये गेम सिर्फ आपके लिए बना है, बिकॉज इस गेम का साइज यहाँ पर 34 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। तो एक बार जरूर ट्राई करना एंड कमेंट में बताना गेम कैसा लगा। और यहाँ है नंबर 10, आइसक्रीम चैप्टर 8। अब इनके चैप्टर 1 से लेकर 7 तक तो सारी गेम सेम रहते थे, बट इनका ये गेम काफी डिफरेंट होने वाला है एंड काफी पॉपुलर भी हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये गेम अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जैसे गेम रिलीज होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी इसके ट्रेलर में ईवी नल को दिखाया गया, देख कैसा लगा कि ईवी नल का कमबैक हो सकता है, आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के लेवल्स, मैप्स एंड अगर आपको इस गेम को कंप्लीट करना है तो आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी का यूज करना पड़ेगा। ऑन नंबर 9 वी हैव मैजिक एम्पायर। अब आप इस गेम को सोल डिगर से कंपेयर कर सकते हो, लाइक उसके जैसा ही थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। बाकी साइज यहां पर आएगा 139 MB, गेम ऑफलाइन रहेगा। लाइक जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर इसका गेम प्ले देख सकते हो, काफी कूल एंड ग्राफिक्स भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। नंबर 8 पे रेजिस्टेंस। बेसिकली ये गेम उन बंदों के लिए होने वाला है जिनको सिंपल गेम्स खेलना पसंद है, लाइक जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस सामने जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनसे बचना है एंड डिफरेंट टाइप की लोकेशन देखने को मिल जाएगी। साइज यहाँ पर 64 MB। और अब आते हैं नंबर 7 पर, एनिमा RPG। ये कोई नॉर्मल टाइप गेम नहीं होने वाला, बल्कि एक वर्ल्ड प्लेइंग गेम है, जहाँ पर आपको एक तगड़ी स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी, डिफरेंट टाइप के बॉसेस मिल जाएंगे एंड 10 सीक्रेट लेवल्स देखने को मिलेंगे। बाकी लेवल्स बहुत सारे हैं, आप अपनी डिफिकल्टी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एंड साइज यहाँ पर रहेगा 1.1 GB, गेम ऑफलाइन रहेगा एंड गेम ग्राफिक्स भी काफी अच्छे हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते हैं नंबर 6, गन एंड डाउन शूटर। ये टैक्टिकल शूटर गेम है, जहाँ पर आपको 3D बैटल ग्राउंड देखने को मिलेगा एंड अपने दोस्तों के साथ PvP बैटल्स भी कर सकते हो। मैसेज गेम पूरा ऑफलाइन होने वाला है, बट अगर आपको मल्टीप्लेयर यूज करना है तो आपको ऑनलाइन खेलना पड़ेगा। बाकी डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स एंड गन्स देखने को मिल जाएंगे एंड डिफरेंट टाइप की लोकेशन भी होती हैं। साइज यहां पर आएगा 245 MB एंड गेम ऑफलाइन है। आगे नंबर 5 पर डार्क नाइट रेसिंग। अब आपने काफी सारे गेम्स देखे होंगे जो कि ऑफरोड होंगे बट डे लाइट में होंगे, बट ये गेम पूरा नाइट मोड में एंड आपको रात के अंधेरे भी ऑफरोडिंग करना होगी, जो कि काफी मुश्किल टास्क होने वाला है। बाकी इस गेम में काफी डिफरेंट टाइप के कार्स एंड मोस्टर ट्रक्स देखने को मिल जाएंगे। साइज यहां पर आएगा 120 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा, तो एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 4 पे इम्प्लोजन। अब ये आने वाला एक PC गेम जो कि आप अपने मोबाइल में खेल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसकी ग्राफिक्स बिल्कुल PC जैसे गेम से मिलने वाले हैं एंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। साइज यहाँ पर आने वाला 2 GB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा, जिसके अंदर आपको काफी सारे फाइट्स देखने को मिलेंगे, काफी सारे बॉसेस से फाइट करने को मिलेगी, जो कि काफी कूल है। और अब आते हैं नंबर 3 पर, नो हैजी कार रेसिंग। अभी एक रेसिंग टाइप गेम होने वाला है जिसकी ग्राफिक्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसके आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की कार्स देखने को मिल जाएंगी एंड साइज यहाँ पर रहेगा 173 MB, गेम ऑफलाइन, तो एक बार जरूर ट्राई करना। और नंबर 2 वी हैव ओपन डी डोर। अब इस गेम में ग्राफिक्स काफी ज्यादा प्यारे हैं, लाइक इंडी टाइप गेम्स की तरह। इसके आप डिफरेंट टाइप की लोकेशन देखने को मिल जाएंगे, जो देखने में काफी मस्त लगती है, इसके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी ये गेम आपको जरूर ट्राई करना है, साइज आपको रहेगा 120 MB, गेम ऑफलाइन है। और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1, डेड इफेक्ट 2। नहीं बोलना था क्या? सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक एंड सब्सक्राइब। Yeah.